कुछ ऑटो चालकों के माध्यम से लगातार 4 दिन तक संपर्क कर संपूर्ण जानकारी निकालने के पश्चात ही यह एहसास हुआ कि शहर में एक ऐसा समूह है जिनका घर सिर्फ सड़कों की चहल पहल से ही चलता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से उनके लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया। नीडे ब्लड डोनेशन ग्रुप द्वारा एक ऐसा ही विचार किया गया कि शहर में रहने वाले ऑटो चालक जिनका स्वयं का ऑटो भी नहीं है एवं वे दूसरे से ऑटो किराए पर लेकर दिन रात मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे, उनके बारे में सोचकर लगभग 200 परिवारों को चिन्हित किया गया जिनको कहीं किसी से कोई मदद नहीं मिलती। नीड ब्लड डोनेट ग्रुप के अंकित चौबे व महेश कुमावत ने बताया कि बिना किसी शासन से मदद लिए, बिना किसी से डोनेशन लिए ग्रुप के सदस्यों द्वारा स्वयं के खर्च से 12 अप्रैल को 100 परिवारों के लिए 5 किलो आटा, 2 किलो आलू, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, आधा किलो तेल के बॉक्स बनाकर घर घर जाकर वितरित किए गए। 100 अन्य परिवारों को कल वितरण किया जाएगा। वितरण में 4 अलग अलग टीम बनाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा। इस कार्य में ग्रुप के हेमंत जैन, रवि यादव, सोनू जैन, नीरज तिवारी, मोंटी निगम, यश तंवर, पप्पू ठाकुर, रोहित खत्री, गणेश पवार, गोलू मल्ला, शैलू यादव, मुकेश दुबे, करण सांकला आदि सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। नीडा ब्लड डोनेशन ग्रुप द्वारा लगातार 8 मार्च से सेवा कार्य का प्रकल्प चालू है, 22 मार्च से भोजन का वितरण का कार्य चालू था। तो भोजन वितरण में हम जब लोगों के शहर में लोगों के मध्य गए, जो जरूरतमंद लोगों के बीच में, तो वहाँ पर एक चीज़ और नहीं देखने को मिली थी कि जो ऑटो चालक हैं, जो जिनका जीवन व्यापन ही बाहर के जब लोग आते हैं तो उनके ऑटो में सवारी को इधर से उधर ले जाने में ही उनकी आर्थिक तौर पर मजबूत होते थे। तो जब हम लोगों ने उनसे बात करी, चर्चा करी, तो पता चला कि वो अधिकतर लोग किराए के ऑटो लेकर, किराए से ऑटो लेकर अपना जीवन यापन करते थे। तो आज हम लोगों ने 200 लोगों को चयनित करके, 200 लोगों से संपर्क करके, उनके घर पर जाकर, अधिकतर लोगों के घर जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स देख के कि वो किराए के ऑटो चलाते हैं, उन लोगों को 5 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, 2 किलो आलू और आधा किलो तेल, ऐसा एक बॉक्स बनाकर, एक प्रॉपर बॉक्स बनाकर उनके घर जा जाकर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं।